इसका बेड़ा पार या अल्लाह से हो रहा है तो तेरा भी तो होगा, तू भी वही कह। तो उसने भी कहा या अल्लाह तो डुबकी लगाने। हजरत जुनैद ने मुड़ के देखा, क्या कह रहा है? तो जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। अबे अभी तो जुनैद को नहीं पहचान पाया, अभी जुनैद तक नहीं पहुंच पाया, तू वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पहले एहसान अली को पहचानो, फिर मौला अली को पहचानो, फिर नबी को पहचानो। पहले यहाँ की मार्फत हो, मारफा नफ्सा हूँ फकदर रफा रफा हूँ। जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो खुदा को क्या पहचानेगा? खुदा की पहचान इतनी आसान है, छलांग लगाओ खुदा वाले हो गए। इसलिए प्यारे कहने का मकसद है, बहुत कुछ मांझना पड़ता है, बहुत कुछ घिसना पड़ता है। मौलवी हरगिज नशा मौला रूम, मौलाना रूम कहते हैं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। जब तक के मैं शम्स तबरेज का गुलाम नहीं बना तब तक कुछ भी नहीं था, मौलवी भी नहीं था। तो गुलामी में मजा है मियां, और गुलामी ही सब कुछ है। यहाँ अगर कबूल हो गए तो सब कुछ है, वरना गौसे आजम के यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। रसूल पाक की बारगाह में भी ताला बंद हो जाएगा अगर पीर के दरबार से कुछ नहीं मिला। मखदूम अशरफ सिंघानी का एक मुरीद, मखदूम साहब ने डांटा फटकारा तो भाग गया बगदाद, चला गया कहा बहुत डांटते फटकारते मैं जाता हूँ इनके दादा के पास, सबसे बड़े वली के पास जाता हूँ, और वहां जाकर के रहूंगा, वही जिंदगी बसर करूंगा। तो बहुत डांटते, चला गया वहां, महीना दो महीना का सफर करके पहुंचा। और पहुंचने के बाद जब वहां हाजिर हुआ तो रात ही में गौसे आजम ने खादिम से कहा कि इस गुस्ताख को पहले यहाँ से भगाओ। एक गुस्ताख आया है कसौटा से, उसको भगाओ, उससे कह दो जब तक मखदूम साहब के दरबार से ताला नहीं खुलेगा ना गौसे आजम के यहाँ ताला खुलेगा ना रसूल आजम के यहाँ ताला। निगाहे यार सलामत हजार मैखाने, निगाहे यार सलामत हजार मैखाने, तेरे नजर की लताफत शराब क्या जाने, लताफत शराब क्या जाने। इसलिए प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत की जो तालीम की रात रात भर लोग यहाँ तक दो घंटे में आदमियों को नींद आती, रात रात भर बैठे रहते हैं एक घंटा बोलने के बाद। यहाँ हमारे बैठ गए तीन आदमी बैठे थे तकरीर करने बैठ गए, तीन ही आदमी सुनने वाले, आप में पढ़ा वह तीन, अब वह तीन पढ़ के तीन घंटा तकरीर, वह तीन पढ़ा और तीन घंटा तकरीर किया। यहाँ तो एक घंटे में मौजू से बेमौजू हो जाता है आदमी, मैटर खत्म हो जाता है। बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे, बैठे हुए थे इस पेज पर यही इस्माइलपुर में, हमारे हजरत जो मुखरी तकीर कर रहे थे उनकी कुर्सियाँ कुछ पीछे थी, मुफ्ती साहब की जो है कुर्सी आगे थी, बैठे हुए थे। तो मियाँ ने कहा बेटे मैं साइकिल चला के पहुंचा था, जब मेरा ऐलान हुआ तो कुर्सी जहाँ रखी थी वही बैठ गया। मुफ्ती साहब आगे थे और वो कुर्सी पीछे थोड़ा बैठ गया, तो उन्होंने कहा बोलो बेटे घबराओ नहीं। तो कहा पहले मैं कुर्सी उठा करके उनसे एक हाथ आगे लाई, पहले कुर्सी उठाकर एक हाथ आगे लाया और मैंने शुरू किया बेटा, और सिर्फ लफ्ज तीर कहा, फिर मेरी तकरीर उसी वक्त खत्म हुई जब सलातो सलाम हुआ, मुफ्ती साहब पीछे से चले भी गए। ये कहकर के किससे हमारा मुकाबला हुआ है, किसको तुम लोगों ने बुला लिया, ये टोपी कुर्ता और लुंगी में हमने तो समझा था कोई गांव गली के मोरी साहब है जी बेटे से पढ़ाने वाले, ये तो इस लिबास में लगता है खुदा का शेर है और मौला अली की औलाद भी है। मौला अली ने खून ही नहीं शामिल किया बल्कि मौला अली ने अपनी जुल्फे खान की तरह ऐसा बार भी अदा कर दिया है कि लगता है कि सिर्फ मौला अली ही कुवते परवरदिगार नहीं बल्कि ऐसा अली भी कुवते परवरदिगार है। सैयद मौलाना
कुवते परवर ये वो लोग हैं जहां पहुंचे से यही कुफर की बर्बाद कर डाली।